हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से मौजूद हूँ। आपने मुझे पहचान ही लिया होगा, आपका अपना जाना पहचाना चिंटू चंदेरी। कल ही तो आपसे स्टूडियो में मुलाकात हुई थी। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और हमारे साथ हैं हमारे दुनिया के बहुत ही अमीर आदमी और हमारे बहुत ही बड़ी शख्सियत मुकेश अंबानी जी और उनकी वाइफ। नमस्ते 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 जी। अब हम अपने चैनल पर आज हमारे एक बहुत ही बड़ी शख्सियत आई हुई है। आज हम उनसे रूबरू होकर कुछ बातचीत करेंगे। उनकी शख्सियत का नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि किस विषय पर आज हमारा बातचीत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, विषय है दुनिया के पति पत्नी कैसे आपस में खुश रह सकते हैं। तो इस विषय पर हमारे साथ है बहुत ही बड़ी शख्सियत, दुनिया की जानी पहचानी नदीम शमसी साहब। तो नदीम शमसी जी, आप हमारे साथ हैं। नमस्ते नमस्ते। तो अब आप हमारे साथ आइएगा, हॉट चेयर पर बैठिएगा और हमें बताइएगा कि दुनिया के, भारत के और सभी जगह के पति पत्नी एक साथ कैसे खुश रह सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की हुई है हमारे नदीम शमसी साहब ने, और ये दुनिया के जाने माने प्रोफेसर हैं और इनको बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, बीए टाटा से ये सम्मानित किए गए हैं। तो दोस्तों आइए हम मिलते हैं प्रोफेसर नदीम शमसी से, जो आज की हमारी बहुत बड़ी दुनिया की देश की हमारे देश की और दुनिया की बहुत ही बड़ी समस्या है उसको हल करेंगे। तो आइए नदीम शमसी जी, प्रोफेसर साहेब आइए, अपनी हॉट चेयर संभालिए, आइए बैठिए। नमस्ते चिंटू चंदेरी जी। नमस्ते नमस्ते। अमिताभ बच्चन जी, जया भादुरी भी ये साथ में है बहन, ठीक है। और मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ बहुत ठीक ठाक है। तो दोस्तों अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले भाई चिंटू चंदेरी जी का आभारी हूँ और इस टीवी चैनल जिसका नाम है ओके टाटा जी टीवीएस चैनल, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक हमारा चैनल है और मैं हमेशा से चाहता था कि इस चैनल पर मुझे बुलाया जाए, जिससे मैं मेरी ख्वाहिश आज पूरी हो चुकी है। तो मैं आज आपके चैनल पर आपकी पूरे देश की क्या दुनिया की समस्या के बारे में बात करूंगा। तो आज का हमारा विषय है कि दुनिया के पति पत्नी आपस में कैसे खुश रह सकते हैं। तो पहला सवाल इसमें यह उठता है दोस्तों कि दुनिया के पति पत्नी तभी खुश रह सकते हैं जब पति पत्नी को खुश रखे और पत्नी पति को खुश रखे। तो हमारा पहला सवाल इसमें यह बैठता है कि पति अपनी पत्नी को कैसे खुश रखे। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे देश का कुछ पानी ही ऐसा है, पति हमेशा, पत्नी चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी जुल्म करे, हमेशा पति सुखी रहता है, खुशी रहता है, वो पत्नी की अपनी हर बात मानता है। अगर पत्नी कहे उल्टे लटक जाओ तो फौरन उल्टा लटक जाता है। अगर वो कहता है मेरी टांगा दबाओ, ये करो, वो लाओ, ये लाओ, वो हर तत्पर तैयार रहता है, वो हर वक्त हर जुल्म सहता है पत्नी का और साथ के साथ उसकी हाँ में हाँ वो मिलाता है। तो दोस्तों पहला जो सवाल हमारा था कि पत्नी अपने पति को कैसे खुश रखे, उसका हल तो हमारे सामने आ ही गया है कि पति तो हर हाल में खुश रहता ही है। अब दूसरा सवाल ये बैठता है कि पति अपनी पत्नी को कैसे खुश करे। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही मुश्किल सवाल है कि पति अपनी पत्नी को कैसे खुश रखे। वो चाहे जितना एड़ी चोटी चोटी का जोर लगा दे, लेकिन पत्नी कभी भी खुश नहीं रह पाती। तो दोस्तों ये समस्या पूरे भारत की नहीं, पूरी दुनिया की है। तो दोस्तों
मैंने इसी विषय पर पीएचडी की हुई है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, और मुझे इसी विषय पर राष्ट्रपति जी ने 1947 में पुरस्कार भी दिया था। उस पुरस्कार का नाम था रणभूमि, रणभूमि का बादशाह। तो रणभूमि का बादशाह मुझे मिला, वो बहुत ही उस समय का बहुत ही सम्मानित पुरस्कार था। तो दोस्तों खैर वो बात छोड़िए, और इसी विषय पर मैंने जो गोल्ड मेडल मुझे मिले हुए हैं, 6,344 गोल्ड मेडल अब तक मैं इकट्ठे कर चुका हूँ इस विषय पर। तो दोस्तों अब इस विषय पर मैं हम आगे बढ़ते हैं, पति पत्नी आपस में कैसे खुश रह सकते हैं। तो हमारा पहला जो सवाल था कि पति जो है अपनी पत्नी को कैसे खुश रखे, उसका जवाब हल पहले ही निकल चुका है कि पत्नी पति तो हर हाल में खुश रहता है। अब दूसरा सवाल कि पत्नी अपन पति अपने पत्नी को कैसे खुश रखे, इसका जवाब जवाब पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी, पूरी दुनिया को ये जानकर खुशी होगी कि मैंने इस सवाल का हल ढूंढ निकाला है, और अब पति पत्नी आपस में मिलजुल कर एक साथ बहुत खुश रह सकते हैं। तो दूसरा सवाल है कि पति अपनी पत्नी को कैसे खुश रखे। तो दोस्तों इसका एक सीधा साधा सा हल है कि अगर पत्नी कहे कि तुम मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे चाहिए, तो आप कहीं से भी चाहे आपकी जेब में पैसे हो या ना हो, चाहे आप उधार लाएं, चाहे आपको कुछ सामान बेचना पड़े, उसको शॉपिंग करने के लिए पैसे ला के दें, तो ऑटोमेटिकली जो है पत्नी खुश हो जाएगी। तो दूसरा टिप मैं आपको देता हूं पत्नी को खुश करने के लिए, अगर आप थके माने ऑफिस से घर लौटें तो आप कभी उससे ये सवाल ना करें कि बेगम या बीवी या पत्नी मुझे कुछ खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। बस चुपचाप आकर बैठ जाए, अगर वो खाना दे तो चुपचाप खा ले, और नहीं अगर ना दे तो चुपचाप अपना भूखे ही सो जाए। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते रहें, उल्टा या सीधा, गलत या सही, जो भी वो कुछ कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो आप हमेशा पति और पत्नी दोनों मिलकर सुख चैन से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने दोनों सवालों का आपके सामने हल प्रस्तुत किया। आप मुझे बताना, लिखना कि आपको मेरे सवालों का जवाब कैसा लगा, और दोस्तों इस समस्या का हल मैं कर ही चुका हूँ, और मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। तो दोस्तों ओहो एक मिनट सर, एक मिनट, मेरी घंटी बजी है, शायद देखता हूँ मेरी पत्नी का तो फोन नहीं। हेलो, हाँ बेगम, अरे अरे भाई साहब, कोई भाई साहब बोल रहे हैं? जी, हाँ सर, मैं नदीम शमसी, प्रोफेसर नदीम शमसी बोल रहा हूँ। क्या कहा क्या कहा? अच्छा आप दिल्ली से बोल रहे हैं, अच्छा, राष्ट्रपति जी भी मेरी स्पीच सुन रहे थे, अच्छा, उनको मेरा नमस्ते बोलना। अच्छा, कल मुझे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है सर। हाँ, सर मैं दिल्ली जरूर पहुंच जाऊंगा। जी सर, भारत भारत रत्न तो सर बहुत बड़ा पुरस्कार है, मुझे मैं इस काबिल आपने समझा कि मुझे आप दिल्ली बुला रहे हैं, कल ही दिया जाएगा। ठीक है सर, मैं कल पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, ओके बाय। तो दोस्तों आपने सुना, अभी अभी दिल्ली से फोन आया, मुझे भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी दुनिया की इतनी बड़ी समस्या का हल कर दिया है। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश ये है कि कल जब मैं दिल्ली पहुंचू, अपना भारत रत्न प्राप्त करूं, तो आप उस अवार्ड को जब मैं लूंगा तो मैं चाहूंगा कि आप भी सामने हो, तो भारत रत्न वितरण समारोह में आप जरूर कल मेरे मुझे मिलने आइएगा। तो सर दोस्तों बस आज का विषय यही खत्म होता है, कल आपसे दिल्ली में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, बाय बाय।